तेरी ऑफरिंग्स और तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने मेमोरियम के लिए आई है, मैं आपको भी ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर के सामने आपकी प्रार्थनाएं एक अच्छे अर्पण की मानद स्मरण की जाए प्रभु यीशु के नाम। जितने लोग विश्वास करते हैं वो कहेंगे आमेन, जितने लोग विश्वास करते हैं जोर से कहेंगे आमेन। थैंक यू मास्टर, आई एम टॉकिंग टू समवन दिस इवनिंग। There are people who look for temporary respites. There are people who look for momentary happiness. But you know what? आपको पता है क्या? आप शांति के राजकुमार को अपने साथ लिए चलते हैं. And you have something to offer to the world. You have something to offer to the world. क्योंकि आपके पास जो है वो पर्याप्त है इस संसार की डार्कनेस को दूर करने के लिए। एक चीज और मैं आपके साथ बांटना चाहूंगी कि जब आप इंतजार कर रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कि आप वो समय बर्बाद कर रहे हैं। परमेश्वर के राज्य में हर वो वक्त, हर वो घड़ी जिसमें आप परमेश्वर से अपनी प्रार्थनाओं का जवाब पाने के लिए इंतजार करते हैं वो टाइम ऑफ वेस्टिंग नहीं होता है, वो टाइम ऑफ इन्वेस्टिंग होता है। जब आप मार्केट्स में अपने पैसे को लगाते हैं तो आप इस उम्मीद के साथ लगाते हैं कि वो पैसा डबल हो जाएगा, वो पैसा ट्रिपल हो जाएगा। जब आप परमेश्वर के राज्य में अपने समय को, अपनी वेट को, अपनी पेशेंस को लगाते हैं तो आप विश्वास करें कि परमेश्वर आपकी उस पेशेंस का एडिक्वेटली रिवॉर्ड करेंगे और आप उन बड़े बड़े कामों को देखने पाएंगे जिनकी आप बाट जो रहे हैं। परमेश्वर का वचन बताता है Lamentations, विलाप गीत उसके 3:26 में, It is good that one should hope and wait quietly for the salvation of the Lord। यानी कि प्रतीक्षा करना और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना धीरज धर के अच्छा। क्रिसमस का सीजन हमें एक चीज और सिखाता है कि चाहे जितने भी रिजेक्शंस क्यों ना हो, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पेरेंट्स के ही बारे में सोचे तो यूसुफ और मरियम को कितने रिजेक्शंस को फेस करना पड़ा था। पर परमेश्वर का वचन बताता है कि चाहे हमें कितने भी रिजेक्शंस को फेस क्यों ना करना पड़े, हमें डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे आगे आगे जाकर हमारे उन रास्तों को सीधा करने वाला हमारा परमेश्वर। There may be a job, there may be a relationship, there may be a situation, a condition that you are looking at that needs a breakthrough, that needs a correction. और आपको लग सकता है कि मेरे लिए कौन खड़ा होगा? मैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता जो मेरे लिए बोल सके, मैं तो किसी ऐसे इंसान को नहीं जानता जो पावरफुल हो, मैं तो किसी ऐसी जगह को बिलोंग नहीं करता जो मुझसे भी ज्यादा ऊंची या मुझसे भी ज्यादा बड़े औहदे में हो। चाहे आप किसी व्यक्ति को जानते हैं कि नहीं जानते, चाहे आप किसी व्यक्ति के साथ जुड़े हैं कि नहीं जुड़े, चाहे आपके लिए कोई व्यक्ति उठकर बोले कि ना बोले, परंतु जब परमेश्वर आपके लिए बोलेंगे तो आपका सामना कोई भी नहीं करने पाएगा प्रभु यीशु के जिंदा और सामर्थ्य नाम में। आई वांट टू स्पीक अ वर्ड ऑफ ब्लेसिंग टुनाइट एस्पेशली फॉर द पीपल हु वांट हीलिंग इन देयर बॉडीज। अगर आप वो व्यक्ति हैं जिसे आज अपने शरीर में चंगाई की जरूरत है, आप अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं। इफ यू आर द वन जिनको लगता है कि नहीं, आज मैं इस जगह से खाली नहीं जाऊंगा, आज मैं इस जगह से ऐसे वापस नहीं जाऊंगा, अगर आज मैं इस जगह पर आया हूं तो मैं अपनी चंगाई को लेकर जाऊंगा, एटलीस्ट आई शुड हैव समथिंग टू टेक बैक होम। होप यस वी हैव, क्राइस्ट यस वी हैव, एंड इन क्राइस्ट वी हैव।